हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस स्मॉल फिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे कहीं पे पोठिया, कहीं पे डेरी, कहीं पे छोटी वाली मछली, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इस स्मॉल फिश को बड़ा ही यूनिक तरीके से बनाएंगे। इसे आप इंड तक देखिए। अगर आज की मेरी ये स्मॉल फिश की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। स्मॉल फिश बनाने के लिए हमने कढ़ाई में सबसे पहले तेल गरम करना है। तेल गरम हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड। तो यहाँ पे हम आधा चम्मच मस्टर्ड सीड डाल रहे हैं और सीड को हम चटकने देंगे। तो आप देखिए, सीड चटकने लगा है। इस स्टेज पे हम डालेंगे कटा हुआ ओनियन, जिसे हमने एकदम बारीकी से काटा है। तो हम दो चम्मच बारीक कटा हुआ ओनियन डालेंगे। प्याज को हमने एक मिनट तक भून लिया है, अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। तो ये दो हरी मिर्च है जिसे हमने छोटे छोटे काट लिए हैं। अब साथ में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे हमने बारीक पीस लिया है, और इसे भी हम एक से डेढ़ मिनट तक भूनेंगे। प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड का पेस्ट, जिसे हमने मिक्सर में पीस लिया है। तो इसे डाल के हम एक से डेढ़ मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। इससे फिश में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मस्टर्ड पेस्ट को हमने डेढ़ मिनट तक भून लिया है। बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। आप जब बनाइए, खुशबू आने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि अपनी मस्टर्ड सीड का पेस्ट जो है अच्छे से भून चुका है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे ड्राई मसाला। तो हम गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर लेंगे और तब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाला है तो एक ही चम्मच काफी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर और सभी मसाले को हम एक मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि ये ड्राई है तो बहुत जल्दी भून जाता है। अब हम डालेंगे इसमें टेस्ट के अनुसार नमक। तो यहाँ पे हम एक चम्मच नमक डाल रहे हैं और मसाला नमक के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला भून चुका है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इस स्टेज पे फिश को मिक्स करेंगे। तो ये हमारा 200 ग्राम स्मॉल फिश है, जिसे हमने 4 से 5 बार अच्छे से पानी से धो लिया है। आप देखिए ये कितना शाइनिंग कर रहा है। तो ये फिश धोने में भी खूबी होती है। अगर आप कमेंट में लिखेंगे फिश धोने का तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। अब हम इस फिश को ग्रेवी में डालेंगे। और अच्छे से मसाला में इसे कोटिंग कर लेंगे। ये फिश बहुत जल्दी पक जाता है तो हमें एक बार अच्छे से कोटिंग करना है और इसे अच्छे से फैला देना है। तो हमने फिश पे अच्छे से मसाले की कोटिंग कर ली है, यानी कि एक बार आपको अच्छे से चला लेना है। उसके बाद हम इसको कढ़ाई में या पैन में, आप इसमें बनाएं, ऐसे फैला दें, क्योंकि हमें इसे बार बार छेड़ना नहीं है। ये फिश बहुत नाजुक होती है, टूटने का डर रहता है। तो हम ऐसे फैला के इसे और अच्छे से फ्राई करेंगे।
ये धीरे धीरे अपने ही पानी में अच्छे से पक जाएगा। इसमें हम ना पानी डालेंगे ना अलग से कोई और इंग्रेडिएंट डालने की जरूरत है। इसी में ये पक के बहुत ही टेस्टी चीज तैयार होगा। तो अब ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी ये स्मॉल चीज फ्राई हुई है। तो कहीं कहीं पे इसे पोठिया, कहीं पे डेरी या कोई भी नाम से जाना जाता है। आप फीस देख के समझ जाइएगा आप किस नाम से इसे जानते हैं, पर खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अपनी मछली पक चुकी है, अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो हम आपको ऐसे टर्न करके दिखा रहे हैं नीचे की परत कैसे क्रिस्पी हो चुकी है। ये मछली ड्राई ही बनता है, इसमें ग्रेवी नहीं डालते हैं। तो आप ध्यान से देखिए एकदम परफेक्ट फ्राई हुआ है। आपको तो मैं फ्राई किया हुआ ही दिखा सकती हूँ, पर आप इसे फ्राई करके टेस्ट करके कमेंट जरूर कीजिएगा कितनी बढ़िया फीस बनी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। हमने फ्राई किया है, बिना ग्रेवी वाला बनाया है, स्मॉल फिश बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जैसा हमने पहले ही बताया कि कहीं पे इसे डेरी, कहीं पे पुठिया, यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने में 2 से 3 बार की सावधानी बरतनी पड़ती है। इसे हम 4 से 5 बार वॉश करेंगे और ग्रेवी को तैयार करने के बाद हम इसे 1 से 2 बार ही चलाएंगे, यानी कि हम ज्यादा स्टर नहीं करेंगे, नहीं तो ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, फिर दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी अच्छा नहीं लगता। बड़ी मछली की अपेक्षा इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए, बच्चों को भी खिलाइए, आप खुद भी टेस्ट कीजिए। अगर आज की मेरी ये स्मॉल फिश की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।